शिक्षक भर्ती 2023 के सामाजिक विज्ञान की टॉप 30 एमसीक्यूज अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ए 27वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 25वां। आंसर है हमारा डी 25वां। फिर देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से किस हाई कोर्ट में सबसे अधिक मुकदमे विचाराधीन है? ए गुजरात, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी इलाहाबाद। उत्तर है डी इलाहाबाद। क्वेश्चन तीसरा में देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति निवासी थे? ए दिल्ली के, बी बिहार के, सी चेन्नई के, डी पंजाब के। आंसर है बी बिहार के। क्वेश्चन चौथा में देखते हैं, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया? ए 1948 में, बी 1963 में, सी 1965 में, डी 1961 में। उत्तर है डी 1961 में। फिर पांचवा, भारत में किस मॉडल की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? ए स्विस मॉडल, बी ब्रिटिश मॉडल, सी आयरिश मॉडल, डी अमेरिकी मॉडल। आंसर है बी ब्रिटिश मॉडल। फिर छठवां, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। फिर सातवां, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर ए नियुक्त किया जाता है, बी निर्वाचित किया जाता है, सी चयनित किया जाता है, डी मनोनीत किया जाता है। इसका उत्तर है बी निर्वाचित किया जाता है। फिर आठवां देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ए आयरलैंड, बी सोवियत रूस, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। आठवां का उत्तर है ए आयरलैंड। फिर नौवां देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ए किसी का नहीं, बी दमन एवं दीव, सी पांडिचेरी व दिल्ली, डी दिल्ली। इसका उत्तर है डी दिल्ली। फिर दसवां क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? पहला है दमन एवं दीव, दूसरा दादर एवं नागर, तीसरा गोवा, चौथा महाराष्ट्र। 110 का उत्तर है एक, दो, तीन व चार, मतलब चारों है उसका आंसर ए। दसवां में देखते हैं, ग्यारहवां में देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ए जी वी मावलंकर, बी हुकम सिंह, सी एम अनंत सैनम आयंगर, डी रवि राय। इसका उत्तर है ए जे वी मावलंकर। फिर बारहवां क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? ए राज्य के राज्यपाल को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी अपने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रपति को। इसका उत्तर है डी राष्ट्रपति को। फिर 113 का क्वेश्चन देखते हैं,
संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? ए राज्यों का संघ, बी राज्यों का सर्वनिष्ठ, सी राज्यों का समुच्चय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए राज्यों का संघ। फिर 14 में देखते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के राष्ट्रपति। इसका उत्तर देखते हैं डी भारत के राष्ट्रपति। फिर 15 में देखते हैं, फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ए प्रेस, बी कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संध्या, सी सड़क रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात के साधन, डी क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी। इसका उत्तर आ जाएगा ए प्रेस। फिर 16 क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ए विधि मंत्रालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका उत्तर आ जाएगा डी संसद। फिर 16-17 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ए दिल्ली, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। फिर 18 क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में बहुचर्चित लाभ का पद को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए संविधान, बी संसद, सी संघीय मंत्रिपरिषद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका उत्तर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय। फिर 19 क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ए सीएम स्टीफन, बी कमलापति त्रिपाठी, सी भोपाल पासवान, डी वाई बी चौहान। इसका उत्तर हो जाएगा बी कमलापति त्रिपाठी। फिर 20वां देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ए जे एम लिंगदो, बी टी एस कृष्णमूर्ति, सी टी एन सेशन, डी नवीन चावला। इसका उत्तर हो जाएगा डी नवीन चावला। फिर 21वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है? ए कैबिनेट द्वारा, बी संसद द्वारा, सी संविधान द्वारा, डी राष्ट्रपति द्वारा। इसका उत्तर है सी संविधान द्वारा। फिर 22वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? ए 238, बी 245, सी 250, डी 262। इसका उत्तर हो जाएगा सी 250। फिर 23वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी थल सेना अध्यक्ष, डी रक्षा मंत्री। इसका उत्तर है ए राष्ट्रपति। फिर 24वां क्वेश्चन देखते हैं, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संघ विधेयक कब प्रस्तावित किया गया है? ए जून 2022, बी अप्रैल 2003, सी जून 2005, जुलाई, डी है जुलाई 2006। इसका उत्तर हो जाएगा सी जून 2005। फिर 25वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 अगस्त 1950, डी 26 जनवरी 1950। इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। फिर 26वां क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय,
सी ए एवं बी दोनों और डी संसद। इसका उत्तर हो जाएगा सी ए बी दोनों। फिर 27वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ए मूल अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी प्रस्तावना, डी संशोधन प्रक्रिया। इसका उत्तर हो जाएगा सी प्रस्तावना। फिर 28 क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ए 3 अप्रैल 1952, बी 7 अप्रैल 1952, सी 22 अप्रैल 1952, डी 13 मई 1952। इसका उत्तर है डी 13 मई 1952। फिर 29 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। ए 2, B 3, C 4, D 1। उत्तर है बी 3। फिर 30वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, बी डी बाबू जगजीवन राम। इसका उत्तर हो जाएगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके थैंक्स फ्रेंड।